नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत करते हैं आप सभी का इस नए क्लास में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम बात करेंगे रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट नंबर 8 के बारे में। दोस्तों, इससे पहले कि आप सभी ने 7 प्रैक्टिस सेटों को नहीं देखा तो जाकर दोस्तों इसको देख लीजिएगा। हम क्यों दोस्तों इसको कहते हैं कि आप जाकर उसको देख लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों जितने भी प्रश्न दोस्तों हम इसमें ला रहे हैं प्रैक्टिस सेटों में, इसमें दोस्तों हम ला रहे हैं प्रीवियस ईयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को छाट छाट कर। दोस्तों, हर एक प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को हम छाट छाट कर लेकर आ रहे हैं। तो यहाँ पर जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है दोस्तों, वह इन सभी में से हम दोस्तों छाट छाट कर लेकर आ रहे हैं। और दोस्तों, यह जो हम प्रैक्टिस सेट बना रहे हैं आप सभी के लिए, यह प्रैक्टिस सेट बहुत ही महत्वपूर्ण कारगर साबित होगा आप सभी के लिए। दोस्तों, चलिए देखते हैं आज के महत्वपूर्ण पहले प्रश्न पर। तो जो महत्वपूर्ण पहला प्रश्न है वह दिया गया क्वेश्चन नंबर 1 में ही। यह दोस्तों कोडिंग एंड डिकोडिंग का प्रश्न है। बताया गया है कि यहां पर जब इसको इस तरह से लिखा जाता है और इसको इस तरह से कैसे लिखा जाएगा। दोस्तों, यह पूछा गया एसएससी जीडी का, अभी 2023 में दोस्तों जो परीक्षा हुई थी एसएससी जीडी का, उसमें दोस्तों यह पूछा गया प्रश्न है। मतलब कि यह बात करते हैं दोस्तों, यह पूछा गया था 12/1/2023 का प्रश्न पूछा गया है। इसमें दोस्तों यह शिफ्ट नंबर 3 का प्रश्न है, यह आप जाकर देख लीजिएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं, यहाँ से KLQM CFMK और NRPT। दोस्तों, यहाँ पर दिया गया है के का संबंध अगर सी से है तो किस प्रकार से होगा। हम जानते हैं के होता है 11 पर, सी होता है 3 पर। तो दोस्तों, यहाँ से हम देखेंगे 11 में से अगर 8 घटाएंगे दोस्तों 3 बचेगा। इसी प्रकार से अगर यन होता है 14 पर और 14 में से दोस्तों अगर हम 8 घटा दें दोस्तों 6 निकल गया, 6 पर यफ होता है। दोस्तों, यफ वाला यहाँ पर सही हो जाएगा, मतलब कि यह गलत हो जाएगा। तो यफ एल यहाँ पर है। दोस्तों, हमको तीसरा पद ढूंढना है कौन सा है। जैसे यहाँ पर तीसरा पद क्यों है, तो क्यों से दोस्तों यहाँ पर यफ कैसे बनाया गया। अगर हम देखेंगे दोस्तों क्यों से यफ कैसे बनाया गया, क्यों होता है 17 पर, क्यों होता है 17 पर और यफ होता है दोस्तों 6 पर। सॉरी, यफ नहीं बनाया गया, यम बनाया गया। सॉरी दोस्तों, यम बनाया गया। तो हम कहेंगे यम होता है 13 पर। तो 17 में से अगर 4 घटाएंगे दोस्तों तो 13 बचेगा। इसी प्रकार से इसमें से दोस्तों अगर हम पी में से अगर 4 घटाते हैं तो, अगर दोस्तों हम पी में से 4 घटाएंगे मतलब 16 में से 4 घटाएंगे दोस्तों 12 आता है। 12 पर दोस्तों यल आएगा, मतलब कि टी नहीं आएगा, उसकी जगह पर क्या आएगा, यल आएगा। दोस्तों, यह विकल्प नंबर 3 है। तो विकल्प नंबर 3 इसका बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। जैसे ही दोस्तों सी सही आता है, चलते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है जो कि दोस्तों यहाँ सिमिलर सेट का प्रश्न है। जैसे बताया गया है 23/29 से कैसे संबंध है और 37। दोस्तों, अगर हम ध्यान से देखें 23/29/37 एक तरीके से दोस्तों एक दूसरे से संबंध है। कैसे, 23/29/37 दोस्तों एक प्राइम नंबर है, एक अभाज्य संख्या है। अगर अभाज्य संख्या दोस्तों, क्या यहां पर तीनों अभाज्य संख्याएं हैं 17/21/29? नहीं, 21 तो नहीं है, गलत। आगे 13/15/23? नहीं, 15 नहीं है। आगे 31/37/49 दोस्तों यहाँ विभाज्य है, गलत हो जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर सिर्फ विकल्प नंबर डी बचता है और डी ही दोस्तों यहाँ पर प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या से यहाँ पर सारी है। दोस्तों, जैसे ही डी सही होता है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 3 दिया गया है। दोस्तों, यहाँ कथन और निष्कर्ष का प्रश्न है। जैसे कथन कहा गया है सभी लेखक अध्यापक हैं। दोस्तों, जितने भी लेखक हैं ये सभी अध्यापक क्या हैं, अध्यापक हैं, अध्यापक है। और कहा गया है सभी अध्यापक कब हैं, जितने भी अध्यापक हैं दोस्तों वह सभी कभी हैं, कभी हो जाएंगे। अब कहा गया है निष्कर्ष में, निष्कर्ष जो कहा गया दोस्तों, कहा गया कुछ लेखक कवि हैं। क्या दोस्तों कुछ लेखक का कुछ हिस्सा कवि है? हम कहेंगे नहीं, यहाँ पर सभी लेखक तो कवि हैं, कुछ लेखक, कुछ कवि क्या लेखक हैं? जी हाँ दोस्तों, कुछ कवि लेखक हैं, बिल्कुल सही, सभी कवि लेखक हैं। नहीं, यहाँ पर हम कवि का कुछ हिस्सा ही लेखक कह सकते हैं, सभी कवि को लेखक नहीं कह सकते हैं, तो दोस्तों गलत हो जाएगा। यहाँ पर थर्ड वाले की चर्चा करते हैं, सभी लेखक कवि हैं। क्या सभी लेखक दोस्तों कवि के अंदर आ रहे हैं? जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे कुछ अध्यापक लेखक हैं। क्या दोस्तों कुछ अध्यापक लेखक हैं? जी हाँ दोस्तों, अध्यापक तो पूरा था, मगर इसका दोस्तों जो चिन्नू सा, मतलब जो छुट्टू सा एकदम छोटा सा दोस्तों, वह अध्यापक है, बिल्कुल सही है। दोस्तों, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हम कहेंगे जो निष्कर्ष सेकंड है यह अनुसरण नहीं करता है। तो निष्कर्ष सेकंड जैसे सही होता तो दोस्तों चलते हैं फिर से एक और शानदार प्रश्न पर। तो शानदार प्रश्न क्या दिया गया है, कहा गया दी गई आकृतियों में से उसे चुने जिसमें प्रश्न आकृति अंतर्निहित है। दोस्तों, यह आकृत किन प्रश्नों में निहित है? तो यहाँ से देखना है, अगर हम इस आकृत की बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पर इस प्रकार से आना चाहिए, मगर इसमें नहीं दिया गया, गलत। इसमें भी दोस्तों नहीं दिया गया, यह भी गलत। अगर यहाँ से दोस्तों देखते हैं हम, इनमें अगर यहाँ से इस प्रकार से हम जाते हैं
दोस्तों यहाँ पर हम इस प्रकार से अगर जाते हैं दोस्तों, यह तो बिल्कुल दिख रहा है, बिल्कुल दोस्तों सेम टू सेम इसी तरह से दिख रहा है। हम कहेंगे या तो सी में मिल गया है, बाकी ना डी में मिलेगा, तो यह सी में मिल गया तो सी को दोस्तों यहाँ से हम सही कर देंगे। जैसे साथियों सी सही आता है, फिर से चलते हैं एक और शानदार प्रश्न पर। शानदार प्रश्न पांचवा प्रश्न दिया गया है। कहा गया है प्रश्न आकृति को अगर दोस्तों इस प्रकार से काटकर मोड़कर और काटा जाता है दोस्तों, तो यह खुलने पर किस प्रकार की आकृति बनेगी। दोस्तों यह खुलने पर किस प्रकार से आकृति बने, अगर यह दोनों नीचे है तो दोस्तों यह दोनों यहाँ पर बन जाएंगे इस प्रकार से, इस प्रकार से दोनों नीचे बन जाएंगे दोस्तों। और इसके नीचे दोस्तों हम कहेंगे इसके बीच में यहाँ पर यह है और यह जो दूर है तो दोस्तों यह दूर ही आएगा, इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर बनेगा। और इसी प्रकार से जब इसको इधर खोलेंगे दोस्तों, यहाँ पर यह इस प्रकार से आएगा नीचे और यहाँ पर यह कोने में आएगा दो, और बाकी एक दोस्तों ऊपर यहाँ पर और एक यहाँ पर आएगा, इसी प्रकार से दोस्तों एक यहाँ पर आएगा और एक यहाँ पर। दोस्तों ऐसी आकृति किस प्रश्न में बन रही है, अगर हम इस आकृति की चर्चा करते दोस्तों, ऐसी आकृति ना ए में बन रही है, सी में क्या गलती है, सी में दोस्तों यहाँ पर बीच में एक लगा, यह भी गलत, डी भी गलत दोस्तों, यह विकल्प नंबर बी में है। दोस्तों विकल्प नंबर बी यहाँ से बिल्कुल सही जवाब आ जाता है। जैसे ही साथियों विकल्प नंबर बी सही आता है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 6 दिया गया है। कहा गया उस विकल्प को पहचाने दो दिए गए शब्दों के दर्पण छवि जैसा दिखाई देता है। दोस्तों अगर कभी भी आप सभी को प्रश्न में यह नहीं बताया गया है कि दर्पण को हम उत्तर में रखें या दक्षिण, मतलब कि इसके दाहिने तरफ रखें या बाएं तरफ रखें या ऊपर नीचे या कहीं पर रखें, अगर इस प्रकार का जिक्र नहीं आता है जैसे दोस्तों इस प्रश्न में दिया गया है, तो दोस्तों हम उसको हमेशा उसके राइट साइड में ही रखेंगे, राइट साइड में ही दोस्तों रखेंगे। दोस्तों यहाँ से राइट का क्या होता है नियम, अगर राइट में रखा गया तो दोस्तों राइट का लेफ्ट हो जाएगा और लेफ्ट का राइट हो जाएगा, मगर दोस्तों अप और डाउन बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा, अप और डाउन बिल्कुल भी दोस्तों चेंज नहीं होगा। दोस्तों यहाँ से हम चलते हैं प्रश्न, मतलब जो दिया गया आंसर, आंसर से चेक करते हैं, जिनमें दोस्तों अप और डाउन चेंज किया होगा वह बिल्कुल गलत हो जाएगा। अगर देखते दोस्तों यहाँ से वाई वाई समय आ रहा है, आर आर भी दोस्तों समय आ रहा है, ए ए भी दोस्तों समय आ रहा है, टी टी भी दोस्तों समय आ रहा है सेम, और ई ई भी समय सेम आ रहा है, मगर यहाँ से आर में कुछ चेंजिंग हो रहा है दोस्तों। अगर हम आर में देखते दोस्तों, आर जो हमारा इस प्रकार से बन रहा दोस्तों, तो आर हमारा किस प्रकार से बनेगा, आर हमारा इस प्रकार से बनेगा। तो ऐसी आगे इतना ए में है और बाकी सब में दिख रही है। अगर यहाँ से देखते हैं तो यह भी सही हो जाएगा। यहाँ से सी में देखते हैं दोस्तों, सी अब यहाँ से भिन्न है और यहाँ पर दोस्तों बी और सी में दोस्तों सी भिन्न होने वाला, देखते हैं कौन सा भिन्न है यहाँ पर। अगर सी इस प्रकार से बना तो दोस्तों सी इस प्रकार से बनेगा, सी इस प्रकार से बनेगा। तो ऐसा सी ना इसमें है और ना ही इसमें है, यह दिया गया है विकल्प नंबर डी में। दोस्तों विकल्प नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। जैसे यहाँ से डी सही आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 207 दिया गया है। कहा गया है यदि रेखा ए बी पर एक दर्पण रखा जाए तो नीचे दिए गए आकृतियों में से कौन सी प्रश्न आकृति बनेगी। अगर दोस्तों हम देखेंगे ऐसी सेम आकृति, दोस्तों ऐसी सेम आकृति तो यहाँ पर बन रही, यह नहीं हो सकता है। आगे अगर चर्चा करते दोस्तों, यह आकृति सेम ऐसा भी है मगर बीच में साथ बदला गया है, दोस्तों यह भी नहीं बनेगा। अब इन दोनों में से कोई एक बन सकता है। यहाँ से अगर ध्यान से देखें पाँच, दोस्तों पाँच में टिकटो करेंसी के तौर पर एकदम उसी तरह से आ गया, तो यह गलत हो जाएगा। इसलिए दोस्तों सिर्फ बचता है विकल्प नंबर 4 दोस्तों, तो विकल्प नंबर 4 इसका बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों। कहा गया यह दोस्तों सेटिंग अरेंजमेंट का प्रश्न है। सेटिंग अरेंजमेंट के प्रश्नों को हम किस प्रकार से सॉल्व करते हैं, चलिए दोस्तों हम सीखते हैं यहाँ से। जैसे 8 मित्र हैं, किस अनिल, कमल और राम, संजय, आकाश, विवेक, राहुल और रामू। कहा गया है एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। दोस्तों वृत्ताकार पहले तो मेज बनाते हैं, एक गोलाकार इस प्रकार से बन जाती है। हमारा गोला तो सही प्रकार से नहीं बना दोस्तों, गोले के ऊपर हंसना मत, मगर यहाँ से देखना लॉजिक को, बाकी प्रश्न को हमको सॉल्व करना है, गोले से हमको नहीं मतलब है। दोस्तों इस प्रकार से केंद्र हो गया, केंद्र इधर ही होता है, तो इधर सारे लोग मुँह करके बैठे हुए हैं, बैठ गए दोस्तों। अब आगे क्या बताया गया, आगे कहा गया है कि राम जो है दोस्तों अनिल के दाई ठीक दाई ओर बैठा है। दोस्तों अगर हम इसमें से दायां बात करते हैं तो इधर दोस्तों दायां होता है, अगर इस तरफ दोस्तों हम जाएंगे तो इस तरफ बायां होता है। तो यहाँ पर दिया गया है राम जो है अनिल के ठीक दाई ओर बैठा हुआ है। अगर दोस्तों हम अनिल को यहाँ पर बैठा देते हैं तो अनिल के ठीक दाई ओर, तो अनिल के ठीक दाई ओर दोस्तों हम कहेंगे राम बैठा हुआ है, तो यहाँ पर दोस्तों राम आ जाएगा। आगे अनिल संजय के दाएं ओर चौथे स्थान पर बैठा है। अनिल जो है दोस्तों संजय के, अगर संजय को यहाँ बैठा देते हैं पहला दूसरा तीसरा चौथा, बिल्कुल सही दोस्तों, संजय यहाँ पर आ जाएगा। आगे
अनिल जो है दोस्तों चौथे स्थान पर बैठा, संजय के दाईं ओर चौथे स्थान पर, बिल्कुल राहुल आकाश के बाईं ओर चौथे स्थान पर बैठा है। राहुल जो दोस्तों वह आकाश, आकाश तो अभी आया नहीं है, तो आगे आकाश अनिल के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। अनिल के बाईं ओर पहला, दूसरा, यहाँ पर दोस्तों आकाश बैठा हुआ है, आकाश बैठ गया है। अब आकाश का क्या, आकाश राहुल जो है, राहुल जो है आकाश के बाईं ओर चौथे स्थान पर बैठा है, तो आकाश के बाईं ओर चौथे स्थान, पहला दूसरा तीसरा चौथा, यहाँ पर दोस्तों राहुल आ जाएगा, राहुल आ जाएगा, राहुल आ गया है। आगे रामू कमल के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर है, रामू जो दोस्तों वह कमल के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर है। विवेक जो है दोस्तों वह कमल के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर है। अगर दोस्तों किसके बारे में बात किया गया, एक तो कमल के बारे में एक बार बाईं ओर बात किया गया, अगर कमल के दाईं ओर, दोस्तों हम कमल को यहाँ पर बैठा देंगे, कमल को अगर हम यहाँ पर बैठा देते हैं तो कमल के बाईं ओर कौन बैठा है दूसरे स्थान पर, पहला दूसरा दोस्तों यहाँ पर रामू बैठा हुआ है, और कमल के दाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, पहला दूसरा दोस्तों यहाँ पर विवेक बैठा हुआ है। अब पूछा क्या गया है, पूछा गया है विवेक के दाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, तो विवेक के दाईं ओर दोस्तों इधर देखेंगे, पहला दूसरा दोस्तों राम बैठा हुआ है, तो राम विकल्प नंबर एक में है, तो विकल्प नंबर एक इसका दोस्त साथियों बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। तो आशा करते हैं दोस्तों आप सभी को आप सिटिंग अरेंजमेंट में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अगर दोस्तों कोई भी डाउट होता है सिटिंग अरेंजमेंट में, दोस्तों हमने सिटिंग अरेंजमेंट का 3 वीडियो पढ़ाया हुआ दोस्तों, आप जाकर उसको देख लीजिएगा, उसका जो लिंक है दोस्तों वीडियो का वह वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से जाकर आप देख सकते हैं दोस्तों, आप सारे के सारे डाउट को क्लियर कर सकते हैं। चलिए साथियों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। जैसे दिया गया क्वेश्चन नंबर 9, कहा गया निम्नलिखित प्रश्न में दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या को चुनिए। दोस्तों इनमें से हमको लुप्त संख्या बतानी है कौन सी आएगी। जैसे यहां से देखते हैं 3 से 9, हम कहेंगे 3 3 9, अगर 54 बनाना हुआ हम कहेंगे 9 6 54, अगर दोस्तों यहाँ से 54 से 48 बनाया हम कहेंगे 12 से गुणा किया, 12 से आगे दोस्तों 24 से गुणा किया होगा, 24 से आगे दोस्तों 48 से गुणा किया होगा। अगर दोस्तों हम 48 से गुणा करते हैं 52 में, हम कहेंगे दोस्तों 52 गुणे अगर 48 करते हैं दोस्तों, तो हमको यहाँ से सिर्फ दो अंक के दो संख्याओं को निकालना है, यहाँ से 52 है और यहाँ पर 48 है। देखेंगे दोस्तों अंत में तो 8 6 मतलब 8 2 16 6 तो 2 में आ रहा है, मगर अगर हम दो डिजिट तक बात करते हैं दोस्तों बात बन सकती है। यहाँ से अगर कहेंगे तो 8 2 16 आएगा और 8 5 40 और 1 41 निकल के आएगा, आगे 4 2 8 आएगा, यहीं से बात बन जाएगी 8 1 9। दोस्तों 96 किस में आ रहा है, हमें 96 आ रहा है विकल्प नंबर बी में, तो बी वाला सही हो जाएगा, बाकी सी वाला गलत हो जाएगा। दोस्तों अगर दोस्तों यहां पर हम कहेंगे यूनिट डिजिट से अगर हमारा आंसर नहीं आता है तो हम डबल डिजिट का प्रयोग करते हैं। दोस्तों अगर डबल डिजिट से भी बात नहीं बनती है तो वहाँ पर हम दोस्तों डिजिट ऑफ सम लगा देते हैं, मतलब कि डिजिटल सम लगा देते हैं, मतलब कि सभी डिजिटों का सम वहाँ पर हम लगा देंगे। इन 4 नियम को अगर दोस्तों हम 2 नियम 3 नियम का अगर पालन करते हैं तो हम कहेंगे दोस्तों हमारा कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है, बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया, यह भी दोस्तों सेटिंग अरेंजमेंट का है। जैसे दिया गया 6 शब्दों में मतलब बताया गया अक्षरों की एक संख्या में तुलना की जाती है, तो B1 में अक्षरों की संख्या सबसे कम है। दोस्तों B1 में अक्षरों की संख्या सबसे कम है, B1 तो यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों। इसके बाद 6 के बाद 5, 5 के बाद 4, 4 के बाद 3, 3 के बाद 2, 2 के बाद 1, दोस्तों इस प्रकार से बैठ जाएंगे, हमने बैठा दिया है। आगे कहा गया B4 में अक्षरों की संख्या B1 से अधिक है लेकिन B2 से कम है। दोस्तों अगर B2 को हम यहाँ पर बैठा देते हैं तो B4 यहाँ पर बैठ जाएगा, बैठ गया बिल्कुल। B6 में अक्षरों की संख्या B3 और B5 से अधिक है। दोस्तों जब B3 और B5 से अधिक दोस्तों तो यहाँ पर आ जाएगा B6 या जो है दोस्तों B3 और B5 से अधिक है। B3 में अक्षरों की संख्या B2 से अधिक है B3 में, और दोस्तों यदि B5 में अक्षरों की संख्या B3 से अधिक है, B3 से अधिक B5 में है, तो इस तरह के दोस्तों बैठ जाएगा। तो कितने शब्दों के अक्षरों की संख्या B4 के अक्षरों की संख्या से कम है। दोस्तों B4 के अक्षरों की संख्या से कम है 1 का, तो वह है B1। तो दोस्तों यहाँ पर B1 इसका बी दो विकल्प नंबर बी है, यह बिल्कुल सही जवाब आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न दिया गया है, कहा गया है कौन सी उत्तर आकृत प्रश्न आकृत में दिए गए पैटर्न को पूरा करेंगी। तो घूर्णन करने की अनुमति नहीं है दोस्तों, इसको घुमाने की अनुमति नहीं है। अगर दोस्त यहाँ से हम देखेंगे तो इस प्रकार से आकृत बनेगी, मतलब कि पूरा दोस्तों चारों ओर यहाँ पर छुएगा, बीच में इस प्रकार से बन रहा है और बीच में एक दोस्तों गोला बन रहा है, ऐसी आकृति दोस्तों किसमें दिख रही है। अगर इस प्रकार की आकृति न इसमें दिख रही, न इसमें दोस्तों यहाँ पर मिलाया नहीं गया और इधर भी नहीं मिलाया गया और इधर भी नहीं मिलाया गया, तो इसलिए विकल्प नंबर 1 ही बिल्कुल सही जवाब आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन।
दोस्तों यहाँ पर 12वां प्रश्न दिया गया, कहा गया दी गई श्रृंखला में निम्नलिखित में से कौन सी संख्या प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। दोस्तों प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, जैसे 16 से 21 जाते हैं दोस्तों, हम कहेंगे 5 का अंतर है, आगे 21 से 31 10 का अंतर है, आगे दोस्तों अगर 31 से 46 में जाते हैं 15 का अंतर है दोस्तों, अगर 46 से 67 20 का अंतर है दोस्तों, अगर 66 से 91 जाते हैं तो 25 का अंतर, फिर आगे दोस्तों क्या आएगा, आगे हम कहेंगे 30 का अंतर आएगा दोस्तों। यहाँ से हम 91 प्लस 30 जोड़ लेंगे, वही हमारा आंसर आ जाएगा, मतलब कि 1 9 3 12 121 दोस्तों आंसर आने वाला है, विकल्प नंबर ए सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 है दोस्तों, कहा गया है इनमें से कौन सा संबंधित है, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आने वाला है। अगर दोस्तों यहाँ से देखेंगे टी होता है 20 पर, 20 दो 22, 22 लिखा गया है, आर होता है 18 पर, 18 दो 20 लिखा गया है, इसी प्रकार से यम होता है दोस्तों 13 पर, 13 दो करेंगे दोस्तों तो 15 निकल के आने वाला, 15 पर ओ होता है, यह वाला गलत हो जाएगा दोस्तों। अब यहाँ से अंत से चेक करते हैं, जी 7 पर होता है, 7 और 5 12, 12 पर यल होता है, 12 ऐसे ए 1 पर होता है, 1 और 5 करेंगे तो 6 आएगा, बिल्कुल सही। ऐसे दोस्तों 16 पर हम कहेंगे पी होता है, 16 में 5 जोड़ेंगे दोस्तों 21, 21 पर दोस्तों यू आता है, तो ओ यू वाला सही हो जाएगा, ओ भी वाला गलत दोस्तों, इसलिए विकल्प नंबर 1 ही बचता है, वह विकल्प नंबर 1 जो दोस्तों सही आता है। हम चलते हैं फिर से एक और शानदार प्रश्न पर, यह भी दोस्तों हम कहेंगे सेटिंग अरेंजमेंट का प्रश्न है दोस्तों। इसमें हम सेटिंग अरेंजमेंट के 4-3 क्वेश्चन लेकर आए थे दोस्तों, 2 क्वेश्चन को करा दिया, 1 क्वेश्चन यह भी है दोस्तों, यह भी वृत्त से संबंधित है। कहा गया वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं, कितने लोग हैं, 8 लोग हैं दोस्तों, 8 लोगों को हम इस प्रकार से बैठा देंगे आमने सामने, इस प्रकार से बैठाते हैं हम यहाँ से और दोस्तों यहाँ पर बताया गया है कि अगर हम बात करते हैं दोस्तों इधर क्या होता है, इधर दायां होता है, अगर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हुए, केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं तो इधर दोस्तों दायां होता है, मतलब इधर दायां होता है, इधर दोस्तों बायां होता है, बायां हो जाएगा। अब आगे क्या बताया गया है, कहा गया है कि बैठे हैं तो साहिल जो है दोस्तों वह सोनू के बाएं ओर से तीसरे स्थान पर बैठा है, साहिल जो है दोस्तों वह सोनू के, अगर दोस्तों सोनू को हम यहाँ पर बैठा देते हैं, सोनू यहाँ पर बैठ गया तो इसके दोस्तों बाईं ओर, सोनू का बाईं ओर कहा गया तीसरे स्थान पर, पहला दूसरा तीसरा, तीसरे स्थान पर साहिल बैठा हुआ है, साहिल बैठ गया साथियों यहाँ पर। अब कहा गया है सोनू राम के ठीक दाईं ओर है, सोनू जो है दोस्तों वह राम के ठीक दाईं ओर है, इसलिए राम यहाँ पर आ जाएगा, राम इस जगह पर आ जाएगा। अब राम जो है दोस्तों वह राहुल के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर बैठा है, राम जो है दोस्तों वह राहुल के बाईं ओर, अगर राहुल के बाईं ओर दोस्तों तीसरे स्थान की बात करते हैं दोस्तों, राहुल यहाँ पर आएगा, राहुल यहां पर आएगा, इसका बायां देखते हैं दोस्तों, पहला दूसरा और तीसरा, तीसरे स्थान पर दोस्तों यहां पर रामू आ गया है, क्या आ गया है, रामू, रामू सोनू जो है रामू के, राहुल राम जो है राहुल के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर बैठा है, बिल्कुल बैठ गया। मोनू जो है दोस्तों वह अनिल के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा है, बिल्कुल आगे देखते हैं, अनिल जो है साहिल का निकटतम पड़ोसी नहीं है, अनिल जो है दोस्तों वह साहिल का, मतलब अनिल यहाँ पर नहीं सकता, यहाँ पर नहीं सकता, अनिल के लिए यह स्थान बचता है और इस स्थान पर बच जाता है, और सोहन राम का निकटतम पड़ोसी नहीं है, सोहन जो है दोस्तों वह राम का निकटतम, मतलब यहाँ पर सोहन नहीं आ सकता है, जब दोस्तों सोहन यहाँ पर नहीं आ सकता है तो सोहन के लिए दोस्तों यहाँ पर एक जगह बचती है, तो सोहन यहाँ पर आ जाएगा, हम कहेंगे सोहन यहाँ पर आ जाएगा। आगे अगर दोस्तों इस जगह पर राहुल आ जाता है, कौन आ जाता है दोस्तों, आगे सॉरी यहाँ पर हम कहेंगे साहिल आ जाता है, साहिल जो है दोस्तों साहिल का निकटतम पड़ोसी नहीं है अनिल, अनिल अगर दोस्तों यहां पर आ जाता है, हम कहेंगे अनिल के दाईं ओर पहला दूसरा, दूसरे स्थान पर मोनू है दोस्तों, मोनू यहां पर आ जाएगा। अब एक कौन बच रहा है, एक दोस्तों बच रहा है रमेश, रमेश दोस्तों यहां पर आ जाएगा, तो अब बाकी सब बैठ गए दोस्तों। पूछा क्या गया है, पूछा गया है राम के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, राम का यह है दोस्तों बायां इधर हो जाएगा, तीसरे स्थान पर कौन बैठा, पहला दूसरा तीसरा, तीसरे स्थान पर दोस्तों सोहन बैठा हुआ है, सोहन विकल्प नंबर 3 में है साथियों, विकल्प नंबर 3 इसका बिल्कुल सही जवाब आ जाता है। तो आशा करते हैं दोस्तों आप सभी को यह प्रश्न अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 15 है, कहा गया दोस्तों यहाँ पर जो आप सेमी कॉलन है इसके तरफ एक वो संबंध दिया गया, उसी तरफ भी ऐसे संबंध देखना है, जैसे गाय, गाय क्या होती है दोस्तों, शाकाहारी होती है,
गाय हमारी शाकाहारी होती है, मतलब कि आगे दोस्तों यहाँ पर जीव दिया गया और उसके प्रजाति के बारे में मतलब कैसी होती है उसकी बताया गया है यहाँ पर। ऐसे ही दोस्तों मांसाहारी, यहाँ पर अगर शेर दिया होता शेर मांसाहारी तो दोस्तों सही होता, मगर यह गलत, बकरी मांसाहारी नहीं, बाकी बकरी सारा, भेड़ मांसाहारी नहीं, भेड़ शाकाहारी, हाथी शाकाहारी, जी हाँ दोस्तों हाथी शाकाहारी होती है, विकल्प नंबर जो 4 है बिल्कुल दोस्तों सही जवाब आ जाएगा। जैसे दोस्तों विकल्प नंबर 4 सही आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 16 दिया गया, कहा गया एक निश्चित कूट भाषा में स्लेडर को दोस्तों इस प्रकार से लिखा जाता है, तो उस कूट भाषा में बताना है ट्रेलर को हम कैसे लिखेंगे। दोस्तों अगर हम यहाँ से पहले भी आते हैं, मतलब यस 19 पर होता है, पी 16 पर होता है, माइनस का 3 घटाएंगे दोस्तों यहाँ पर 16 बन जाएगा, बिल्कुल आगे आगे देखते हैं दोस्तों। यल यल होता है 12 पर, 12 से दोस्तों 5 बनाया गया है, 7 5 12 दोस्तों यहाँ पर लॉजिक कैसा लग रहा है, एक बार 3 1 बार 5 मतलब कि लॉजिक तो कोई नहीं लग रहा। अब यहाँ से हम अंत शुरू से अंत में जाते हैं, अगर दोस्तों शुरू से अंत में जाते हैं तो हम कहेंगे यहाँ सेम लिखा गया है। आगे यल से अगर दोस्तों जे में जाते हैं हम कहेंगे यल 12 पर होता है, माइनस का 2 किया गया है। फिर दोस्तों डी से अगर डी में जाते हैं दोस्तों यहाँ पर सेम लिखा गया है। फिर आगे डी से अगर दोस्तों जाते हैं हम बी में तो हम कहेंगे माइनस का 2 किया गया है। दोस्तों आपको यहाँ पर लॉजिक समझ में आ गया होगा, पहले तो सेम लिखा गया था, फिर माइनस 2, फिर सेम, फिर माइनस 2, दोस्तों यही लॉजिक यहाँ पर बन रहे है। इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर हम लॉजिक बना देंगे, टी में से टी को सेम लिखेंगे सेम आएगा, मतलब कि यह गलत हो जाएगा, बाकी सब में दिख रहा है। बाकी दोस्तों यहाँ पर क्या आएगा, अगर हम ए है तो ए के बाद वाई आता, वाई आएगा, मतलब कि क्योंकि अगर ए होता है 27 पर, 27 में से अगर 2 घटाते हैं दोस्तों तो वहाँ पर निकल के आता है 25, 25 पर वाई होता है, बिल्कुल सही। यल को यल ही लिखेंगे, और यल होता है 10 पर, मतलब 12 पर, 12 में से 2 घटाएंगे दोस्तों 10 है, 10 पर जी होता है, और ई होता है 5 पर, तो 5 ही लिख देंगे यहाँ पर, और आर आर होता है दोस्तों 18 पर, 18 में से 2 चला जाएगा तो बचेगा 16, 16 पर दोस्तों पी होता है, पी ई जे पी ई जे यल वाई टी, यल वाई टी विकल्प नंबर 4 सही, विकल्प नंबर 4 दोस्तों सही जवाब आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया दोस्तों उस विकल्प आकृति को चुनिए जिसमें दी गई आकृति निहित है, मतलब इसको घुमाने की अनुमति नहीं है, कहा गया घूर्णन करने की अनुमति नहीं है। अगर दोस्तों यहाँ से हम देखते हैं ऐसी आकृति, तो ऐसी आकृति दोस्तों यहाँ पर देखेंगे इस प्रकार से क्या बन रही है, यहाँ पर जाएंगे दोस्तों नहीं बन रही है। अगर यहाँ से थोड़ा सा भी ऐसे होता दोस्तों हम कैसे बन जाते, गलत। यहाँ से देखें दोस्तों यहाँ पर भी नहीं बन रही है, नहीं बन रही है, गलत। अगर दोस्तों सी वाले में हम देखते हैं तो सी वाले दोस्तों इस प्रकार से आ रहा नीचे, और यहाँ से हम नीचे चले जाएंगे इस प्रकार से दोस्तों, और यहाँ से हम इस प्रकार से चले जाएंगे, बिल्कुल दोस्तों यहाँ सी वाले में बन रहा है, बिल्कुल दोस्तों यहाँ सी वाले में बन रहा है इस प्रकार से दोस्तों। यह किस में बन रहा है, हम कहेंगे विकल्प नंबर सी में बन रहा है, विकल्प नंबर सी में दोस्तों बिल्कुल सेम टू सेम बन रहा है, हम कहेंगे विकल्प नंबर सी यहाँ से बिल्कुल सही जवाब आता था, 4 वाला गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन 18वां प्रश्न है दोस्तों, 18वां प्रश्न दिया गया है कथन और निष्कर्ष का। जैसे कथन दिया गया है कुछ यस पी हैं, यस का दोस्तों कुछ हिस्सा हम कहेंगे पी है, पी बना देंगे। आगे कोई पी दोस्तों यल नहीं है, कोई भी पी दोस्तों यल से संबंधित नहीं है। आगे निष्कर्ष क्या निकल रहा है, कहा गया है सभी यस पी हैं, सभी यस दोस्तों क्या पी है, नहीं गलत। सभी यल यस है क्या दोस्तों, सभी यल यहाँ पर आपको यस दिख रहा है, नहीं यह भी गलत। हम कहेंगे यहाँ पर दोस्तों कोई भी निष्कर्ष कथनों के अनुसार नहीं है, तो विकल्प नंबर 2 दोस्तों इसका बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा, कौन सा, विकल्प नंबर 2। जैसे दोस्त विकल्प नंबर 2 सही आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 दिया गया, कहा गया है दोस्तों एक निश्चित कूट भाषा में सेंटर को दोस्तों इस प्रकार से लिखा जाता है, तो बताना डिवाइस को इस प्रकार से लिखा गया है, तो उसी में बताना डायरेक्ट कैसे लिखा जाएगा। दोस्तों अगर हम ध्यान से देखते हैं तो ये जो सभी अक्षर है दोस्तों यह इन सभी में आ रहे हैं, इन सभी में दोस्तों आ रहे हैं, इसलिए अगर हम अंत से शुरू करते हैं टी से, दोस्तों टी का कोड क्या लिखा गया है यहाँ पर, 1 2 3 1 2 दोस्तों 3 यहाँ पर 7 लिखा गया है, टी का कोड 7 लिखा गया है, अंत में 7 जिसमें है इसमें नहीं है तो यह गलत हो जाएगा, बाकी सब में है दोस्तों। अगर आगे देखते हैं दोस्तों सी का दोस्तों 9 लिखा गया है, 9 आ जाएगा। ई का दोस्तों क्या लिखा गया है, ई का दोस्तों 8 लिखा गया, तो 8 है, 897 किसमें दिख रहा है, इसमें दिख रहा है, सब में दिख रहा है। आगे चेक करते हैं दोस्तों, अगर हम सी से दोस्तों तो यहाँ पर डी लिखा गया है, डी का कोड क्या लिखा गया है, तो डी का कोड दोस्तों 5 लिखा गया है। आई का कोड क्या लिखा गया दोस्तों, आई का कोड दोस्तों यहाँ पर 0 लिखा गया, तो 50 वाला दोस्तों सही जवाब हो जाएगा। 50 किसमें है, 50 यहाँ पर आने वाला है 50 48 97 दोस्तों विकल्प नंबर बी सही जवाब, विकल्प नंबर बी दोस्तों बिल्कुल दोस्तों सही जवाब निकल के आ जाएगा। 50 सॉरी दोस्तों पहले देखते हैं हम आई का, आर का क्या लिखा गया, आर का दोस्तों 4 बिल्कुल दोस्तों सही है, तो इसलिए दोस्तों विकल्प नंबर जैसे बी सही आता है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर,
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, कहा गया है यदि ए का अर्थ जोड़ है, जहाँ पर ए लिखा गया वहाँ पर जोड़ लिख देंगे, बी का अर्थ बुरा है, सी का अर्थ घटाओ, जहाँ सी लिखा गया वहाँ घटाओ, और डी का अर्थ दोस्तों भाग है। तो पहले दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, भाग सॉल्व होता है, तो 18 में 3 से भागा देते तो दोस्तों 6 आएगा, 6 और यहाँ पर माइनस का 5 है और प्लस का दोस्तों 7 है, तो यहाँ से हम कहेंगे 7 6 13 निकल के आएगा, 13 में से अगर दोस्तों 5 चला जाएगा तो हम कहेंगे यहाँ पर निकल के आने वाला 7 7 5 12, सॉरी दोस्तों यहाँ पर निकल के आने वाला है, यहाँ पर आ जाएगा 8 8 निकल के आ जाएगा, 8 विकल्प नंबर 3 में है दोस्तों। तो विकल्प नंबर 3 इसका बिल्कुल साथियों सही जवाब आ जाएगा। तो धन्यवाद दोस्त, यही थे आज के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों यहाँ पर हम बात करेंगे एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट यार दोस्तों होमवर्क का, होमवर्क की तो हम चर्चा ही नहीं किए, यहाँ पर क्या कहा गया है, कहा गया निम्नलिखित प्रश्न में किन्हीं दो संख्याओं को आपस में बदलकर दिए गए समीकरण को सही कीजिए। दोस्तों समीकरण को सही करना है, किन दो दोस्तों यहाँ पर शब्दों को बदल अक्षरों को बदल देंगे यह समीकरण दोस्तों शुद्ध हो जाएगा। दोस्तों इसका जवाब आप सभी को कमेंट करके जरूर बताना है, कमेंट करके जरूर दोस्तों जरूर बताइएगा कि इसका सही जवाब क्या निकल के आएगा। दोस्तों धन्यवाद, अगर आपको यह क्लास अच्छी लगी हो दोस्तों आप इसे लाइक कर सकते हो, अपने दोस्तों के पास दोस्तों शेयर कर सकते हो, और आप सभी ने अभी तक दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों प्लीज़ इस चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ऐसे ही डेली क्लासेस पाने के लिए। धन्यवाद दोस्तों।